वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास नाइन्थ का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा सेम चैप्टर टेंथ क्लास में भी है, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के और थोड़े एडवांस क्वेश्चंस हैं। तो अभी जो हमने सीखना है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं, ये होती क्या है लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल्स, ये पूरी बात को समझ लेते हैं। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा आपको, और आपको भी दो तीन क्वेश्चन दूंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट में आंसर बता सकें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए, आपको बताऊं जी, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? इसका नाम लाइन, लीनियर मींस लाइन, यानी ये एक लाइन की इक्वेशन है। ये क्या कहना चाहता हूं मैं, यानी हर एक इक्वेशन के अंदर एक ग्राफ छुपा होता है, इसके अंदर भी एक ग्राफ छुपा हुआ है। जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये आपको पता है एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो कोई ना कोई लाइन मिलेगी। हो सकता है ये लाइन मिल जाए, हो सकता है ऐसे कोई लाइन मिल जाए, यानी वो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ग्राफ कैसे ड्रॉ होते हैं वो भी हम डिस्कस बाद में करेंगे। यानी इसके अंदर लाइन छुपी हुई है, इसलिए इसका नाम लीनियर इक्वेशन है। अब लाइन छुपी हुई है ये हमें कैसे पता चल रहा है? यहां देखो बेटा, x के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इधर y के ऊपर भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी वेरिएबल्स की पावर 1-1 है। तो अंडरस्टूड है कि जो ग्राफ बनने वाला है वो लाइन का ग्राफ बनने वाला है, क्लियर। दूसरी बात, इसके अंदर टू वेरिएबल्स हैं, x और y। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज हमें पता नहीं होती और वो वेरी कर सकती हैं, बदल सकती हैं। कभी x कोई वैल्यू ले सकता है, y कोई और वैल्यू ले सकता है, तो वेरिएबल्स इनको कहते हैं। तो टू वेरिएबल्स हो गए, 1-1 पावर के कारण ये ग्राफ लीनियर हो गया, क्योंकि इसका ग्राफ लाइन बनेगी। गॉट इट। अब आ जाते हैं, इसको लिखने का एक तरीका है। मैथमेटिक्स कहता है कि ये नहीं है कि कहीं पे भी आप, जैसे ये वाली इक्वेशन कितने बेकार तरीके से लिखी हुई है, वाई कहां खड़ा हुआ है, एक्स वाला, यानी होनी तो तीनों टर्म चाहिए, लेकिन किस तरीके से खड़ी होनी चाहिए तीनों टर्म? ऐसे, पहले एक्स वाली टर्म खड़ी होनी चाहिए। ए बी सी से कंफ्यूज मत हो, बस ये मानो ये इक्वेशन हमें ये बता रही है एक्स पहले होना चाहिए, फिर वाई वाली टर्म होनी चाहिए, फिर तीसरी जो बची खुची टर्म है वो होनी चाहिए। गॉट इट। तो ये तरीके से हमें पहले इसको लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप, इससे शक्ल मिलाने की कोशिश करेंगे, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी एक लिखने का एक प्रॉपर तरीका है, ठीक है, क्लियर। आओ इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आओ सबसे पहले तो ये देखो, तीनों के तीनों टर्म्स लेफ्ट में होनी चाहिए, राइट में जीरो होना चाहिए। सबसे पहला इग्नोर कर सॉरी नोटिस करने वाला पॉइंट यही है। गॉट इट। तो आप इधर करो, इसके अंदर आपका 3 इधर है, माइनस एक्स इधर है, ये जो 5y है ये यूएस में खड़ा हुआ है, यानी इक्वल के राइट में है, तो आप इसको लेफ्ट में लेकर आओगे इसका साइन चेंज करके। ये काम तो सबको आता ही हो, ठीक है। ये पहला स्टेप आपको यही चेक करना है। उसके बाद अब ये इक्वेशन ये कहती है जो एक्स वाली टर्म है सबसे पहले लिखी होनी चाहिए, क्लियर। तो अब इधर देखो, 3 टर्म्स है, 1, 2, 3। गॉट इट। हर टर्म का एक साइन है, साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। 3 का साइन प्लस है, एक्स का साइन माइनस है, 5y का साइन माइनस है। गॉट इट। 5 का साइन माइनस नहीं बोलूंगा, 5y का साइन। तो सबसे पहले मैं एक्स वाली टर्म को लिखूंगा, चलो लिख देते हैं एक्स को। तो पहले एक्स को लिख रहे हो तो एक्स का साइन भी साथ में लिखना पड़ेगा, ये गलती कर देते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वाई वाली टर्म को लिख लेता हूं माइनस 5y, यानी 5y मैंने लिखा लेकिन उसका साइन भी साथ में कैरी किया मैंने, फिर प्लस 3। गॉट इट। इक्वल टू 0। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया जैसा वो चाह रहे थे। गॉट इट। अब इसके जब आपने लिख दिया ना, तो आप इसके ठीक नीचे लिख दो कि भाई मैंने लिख दिया है दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये उठा के इसके नीचे लिख दो। अब आप देखो, अब ये क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने बोला है x के पड़ोस में यानी x के लेफ्ट में जो भी नंबर होगा उसको आप a वैल्यू मानो। गॉट इट। इधर x के लेफ्ट में कोई भी नंबर नहीं आ रहा, आप बोलोगे सर x के लेफ्ट में तो माइनस है, तो बेटा 1 लगा सकते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1, ठीक है। वो कह रहे हैं बाय b का जो नेबर होगा आप उसको b कहोगे, इधर y का जो नेबर होगा, इधर क्या है y का नेबर, माइनस 5, इधर y का नेबर b, यानी b इक्वल टू माइनस 5, साइन कंसीडर करने होते हैं साथ में। गॉट इट। और जो तीसरा बच गया उसको आप c नाम दे दो, ऐसा इक्वेशन कह रही है, क्लियर। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, और हमने a b c की वैल्यू भी लिख दी, क्लियर है। अब बेटा इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। ये देखो इधर, इसमें x पहले लिखा हुआ है, ओके, y वाली टर्म दूसरे नंबर पे है, ओके, c यानी कॉन्स्टेंट टर्म बिना एक्स वाई वाली वो तीसरे नंबर पे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले से ही स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। अब इसके लिखा हुआ है तो इसके ठीक नीचे लिखा करो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। लिख दिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म, एस एफ लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर।
अब एक्स का जो नेबर है उसको आप ए नाम दोगे, आप बोलोगे सर एक्स का तो कोई नेबर है ही नहीं यहाँ पे, मैं बोलूंगा कुछ नहीं हो तो वन होता है, गॉट इट, तो ए क्या हो गया वन। अब आप बोलो वाई का जो नेबर है उसको बी, सर वाई का नेबर कोई नहीं है, माइनस है, कोई नहीं है, क्यों नहीं है, वन लगाओ। नीचे इसके फाइव खड़ा है ये भी इसका नेबर है, यानी माइनस भी नेबर है, वन भी नेबर है, और फाइव जो नीचे है तो नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई बी की, गॉट इट। और अब सी की वैल्यू, सी के प्लेस पे क्या है, टेन, नॉट टेन, साइन, साइन की मिस्टेक की तो बेटा क्वेश्चन गलत, साइन ही का ही तो रोल है, कंफ्यूजन कहां है, साइन में ही होती है। अब बेटा अब आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं, टू डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, वही ये देखो राइट में 2x है, हम बोलेंगे नहीं भाई एक्सेप्ट नहीं है, जीरो करो, यानी 2x को पहले तो ले आओ लेफ्ट में, ले आए, 5 पहले से ही था, 2x को आप माइनस ले आए, इधर जीरो बच गया। अब सुनो अभी क्या x वाली टर्म सबसे पहले होनी चाहिए थी, तो लिखो ना, तो 2x का साइन माइनस है, इसको बोलो भाई x वाली टर्म सबसे पहले लिखनी है मुझे, और ये प्लस का 5 सेकंड नंबर पे लिखूंगा, गॉट इट। अब आपको हाई अलर्ट जोन में आ गए हो, आपको यहां पे कुछ ऐसा काम करना है। अब आपको एक चीज समझाता हूं, मान लो अब मैंने आपसे 50 रुपीज लेने हैं, गॉट इट, और आपके अकाउंट में मैं क्या करूं, अपनी चीटिंग से ना प्लस जीरो कर दूं, तो कोई फर्क पड़ा, आप मुझे बताओ, 50 प्लस 0 भी 50 होता है, अच्छा एक जीरो और कर देता हूं, कोई और फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा ना। तो बेटा यही बात है, अगर मैं x के अंदर ठीक है जीरो ऐड कर दूं तो x ही रहना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे वो कह रहे हैं भाई इस इक्वेशन के अंदर y को इंट्रोड्यूस करो, y तो है नहीं आपके पास, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे मानोगे तुम। हमने कहा कोई बात नहीं, लो अभी लो -2x, y वाली सेकंड नंबर पे फॉर्म लेकर आनी थी, वो कह रहे हैं y होना चाहिए दूसरे नंबर पे, हम बोलेंगे ये लो जी 0 × y, यानी ये ओवरऑल जीरो है। इक्वेशन में लगाने पे क्या फर्क पड़ा, जैसे 50 में जीरो प्लस करके कोई फर्क पड़ा क्या, वैसे ही नहीं पड़ा। और फिर लिख दो तीसरा नंबर, उन्हें बोलो लो जी आपको तीन टर्म चाहिए थी, कर दी तैयार। अब उनको मतलब नहीं है इसका क्या है क्या नहीं, आपने कैसे किया। अब इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0, गॉट इट। अब इधर आ जाओ, ध्यान से ध्यान देना बेटा, x के नेबर को a कहना है, इधर x का नेबर क्या है -2, तो a = -2, बहुत ध्यान से। y का नेबर b, इधर y का नेबर क्या है 0, b = 0। तीसरा तो c बच गया, वो अब आप इतनी बार कर चुके हो, बहुत इजी लग रहा होगा, आओ अब इसको कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही पहली गलती तो यही है कि भाई कोई भी नंबर उधर नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे नंबर इधर होने चाहिए, y + 2 = 0, माइनस का 2 यहां ले आए। अब फिर वही बात आती है, वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं मानते इसको, पहले x का टर्म होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म पे नजर, तो हम बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, तुम्हें स्टैंडर्ड चाहिए ना, ये लो 0 × x कर दिया इंट्रोड्यूस, क्योंकि 0 × x 0 ही तो होगा, एड करने में कौन सा फर्क पड़ने वाला है, +y + 2 = 0, आ गई तीनों टर्म, खुश हो गए वो भी कि वे स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब आप देखो ax + by + c, इसके नीचे लिखा करो स्टैंडर्ड फॉर्म, इजी रहता है कैलकुलेशन में पता लगाने में, 0 यहां x क्या a, यानी a = 0, इधर y का नेबर कौन है 1, इधर y का नेबर कौन है b, तो b = 1, इधर c तीसरा बच गया, c के लिए कोई नेबर नहीं देखना था, c के तो प्लेस पे जो भी नंबर है विद साइन उठाते हैं, इधर प्लस है तो मैंने नहीं लगाया साइन, माइनस होता तो मैं लगाता, तो साइन की भी बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है बेटा। अब आप बेटा मुझे एक क्वेश्चन 2-3 करके दिखा दो, x + 5 = y पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन x - 7 = 3, ठीक है जीरो कर देते हैं, और तीसरा क्वेश्चन x = y, ठीक है। इन तीनों के आंसर बेटा कमेंट में करो अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप ऑन वर्किंग वेरी हार्ड, बेटा जुड़े रहो तो बहुत कुछ सीख लोगे, ठीक है, और सब्सक्राइब द चैनल कनेक्ट रहने के लिए। थैंक यू।